हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी आ। जगह तो ही तुर पे सी फ्रेंच जोसफ ग्लेशियर तो, हम इतने हरियरी पहुंचे हैं। तकरीबन 45 मिनट का राह गा, हरी हरी आना गा 45 मिनट का राह। इस राह एक जगह जी सी इतने माड़ा जी रुके, तो इतने आ बंदे बारे माड़ा जहा देखा पढ़िया, पहले फोटो बनाई हुई है। तो ये बंदे ने इदा के जहाज से, ठीक है, 1930 इन्हें सिडनी तो फ्लाइट फड़ी, ये जहाज चक्या, इन्हें एक्स्ट्रा टैंक लाया उत्ते तेल का, तो इतने आके लैंड किया 11 घंटे 45 मिनट इन्हें इन्ना टाइम एयर ही। तो कहते राज कई बार नियरली हिट करता करता बचिया, क्योंकि 1930 की गल आ गई, जहाज भी उदा ठीक ठाक ही, तो बड़ी बड़ी गल की इन्हें, पर थोड़े टाइम बाद ही वॉज किलर फ्यू वीक लेटर वेन ही प्लेन क्रैश इन टू मास्कट। मास्कट च मान चाह प्लेन क्रैश हो गया सी, पर इन्हू बहुत अवार्ड अवूर्ड मिले, क्योंकि जो वापस सिडनी पहुंचा तो इन्हू अवार्ड मिले, फ्रीडम अवार्ड ऑफ द सिटी, कई होर अवार्ड भी मिले। बंदे ने काफ़ी वड्डी गल की इन्ना टाइम पहला, नाइस। छोटी चीज़ है बस, इन्नी कन्फर्मेशन ही सी इत राह, तो कदे कदे रुक जाना चाहिए। इदा छोटिया छोटिया चीज़ा बहुत वधिया होंदिया ने, हरी हरी है, छोटा जिहा टाउन है, इत्थे एक फ्यूल स्टेशन आ ते आ ते बस, ते जर्नी कंटिन्यू आ। असी जाना हॉकी टिक्का, बड़ा सोहना कहिंदे, वह भी देखते हैं जाके। हरी हरी तो थोड़ा जिहा दूर आए सी, 5 मिनट की ड्राइव ते दूर ही, 5 मिनट ही महां लग्या। इत्थे कहिंदे हॉट स्प्रिंग आ, मतलब नदी के किनारे तुसी पानी धरती पटोंगे तो थलों पानी निकलता गर्म, पर सानू आपदा अजार चाहीदा, बेलचा बुलचा, तो पट गया तो नहा भी सकते हो, कहिंदे तां ही आ, माड़ा जिहा चेक करदे आ भी इत्थे है की है भी आ कि नहीं। वो ऐप के उत्ते शो कर रहा है, उदा नहीं, इतने कोई साइन बोर्ड नहीं लग्या वा, ऐप के उत्ते शो कर रहा भी इदा है इतने। जे इन्होंने आ चीज़ लिखी है सोडियम है ये फलाना फलोना क्योंका डेंजरस है ना, तो यदा मतलब तो यही है भी इतने है टॉक्सिक गैसिज, क्योंकि वो निकलता जो मीह पैंदा ना, फ्लड आउंदे आ, इदा पानी सारा भर के जाता, रुड़ के लै जाता जो भी जिड़ा मर्जी पत्थर आ। वैसे नाल रिवर बहिंदी है, ये ठंडे पानी की है, ये तह तो जो खुर खुर आते है वो पानी है, बर्फा खुर खुर आह तो पहाड़ा तो, ये जमा बर्फ वाला पानी। मैं कैंसल करता वैसे वो उत्थे जाके आ, मैं लगता वो जगह बाढ़ काफ़ी ज़्यादा है, तो जवाक जल्ले गड्डी जी आ, जे तो 100 मीटर 200 मीटर होंगी फिर तो ठीक है, मैं लगता 1 किलोमीटर वागू दूर होगी। सो जे कोई चाह पाना तो इतने आ सकता, सैंड फ्लाइज इतने वादू ने स्परे नाल लेके आओ, नहीं तो जीना हराम कर देंदिया। व्यू सोहना गा, क्योंकि उत्थे जाण दा तां ही फायदा जे बंदे कोले डिगिंग करन लई कुछ हैगा, ते डिगिंग करके पानी कढ के जे उत्थे बिंद बह सके। जे इदां गेड़ा देखण जाण दा तां कोई मतलब नहीं बनता उत्थे, क्योंकि हुण तुरे आ ते उत्थे नहाउण दा कोई फायदा नहीं गा, बच्चा भी नाल उहदे, जे इक अद्धी भी लड़ गई ने सैंड फ्लाई उहने साडा जीना हराम कर देना, आप तां बंदा झल लैंदा थोड़ा। सो संभावना है इत्थे उह जगह है हरी हरी दे कोले, 5 मिनट दूर नदी दा पुल टप के सज्जे हथ मुड़ के, जे किसी ने ट्राई करना तो कर सकदा, नाल आपदा बेलचा बुलचा लैके आओ डिगिंग करन लई, होप सो तुसीं गन पानी कढ लोंगे।
लेक ते रुके सी रस्ते रस्ते च सोनी लेक आ साफ पानी उन्ना साफ नहीं बट क्योंकि सन साइन है तां करके थले तला देख सकते हैं बच्चे स्विम कर रहे हैं स्विमिंग लिए ठीक है कोई दिक्कत आ रही बंदा बोट लद रहा इदा बोट लद रहे हैं ते टो कीती है गड्डी हाँ जी इतने असं पहुँच चुके हैं रोज़ हॉकी टिक्का तो पहला तो इतने ने गोल्ड दियाँ खाना मैं चलिया गोल्ड लभन तो मैं 8-10 किलो लभ गया तो मैं 1-2 किलो तुहानू दे दूंगा इनू कहंदे रोज़ ये नेड़े ही हैगा तो इतने पुरानी खाना ने गोल्ड दियाँ इतने लोग आते हैं ट्राई करते हैं माड़ा मोटा लभ के आपके जिंदगी कह दें असं भी गोल्ड कढ़िया सी जॉन फ्लैट माइनिंग गोल्ड माइनिंग इधर व्यू सोहना गा दरख्त दरुख्त ने इतों तो नाल दुकान आ गई ये नाल दुकान उतों तसले तुसलिया तसला मिल जाता कंटेनर मिल गया सोना पाने बड़ा हरा ते मिल गया बेलचा हाँ वाटर व्हील है पानी नाल जरा घूमता हों ते लोग आते पंगे पुंगे लेंदे फन वास्ते वधिया $10 लेंदे ये हायर हो जाता तो अभी वापस कर कर दौ बाद उत्थे उन्हां नू गुड फॉर प्ले एंड इहदे कोल इत्थे सोने दियां चीज़ां भी है गोल्ड लीफ दियां लीफ दिया ने ते वो तो ले भी सकते हो छोटी दुकान ये बहुत ही छोटा जा टाउन है रोड छोटी लेक आ ब्यूटीफुल टाउन है गा ये कुदरती सू जाते दे गया से चल देखिए की सीन है इधर तो फिर पता लग गया भी इतने गोल्ड माइनिंग आ ते तुसी आप भी ट्राई कर सकते हो फॉर फन गुड फॉर फन ओके सू दिखाने जो कुछ मिले 5-10 किलो सोना आ नदी है जिथे सोना लभदे आ सीमर लगी पी है दमा दम तो निहाल कहिंदा मैं पानी च वड़ना साइनी आउंदा विच ते इत्थे बंदा देख सकदा मैं लभे आ 2-3 क पत्थर जे निक्के निक्के टाइनी ते उधर होर भी लोग लगे पे ने गे जवाक चले फैमिली नाल दुकानदारी दसू भी की आ पत्थर आ के सोना असि इतने अद्धा घंटा स्पेंड करता हूँ मैं मे बी तो टक्कर टुकर मारिया मैनू उन्हें निका जहा कंटेनर दिता जी गूठे जेडा तो बिच पाने मैं साइनी जे लभे सी निके बरीक बरीक पीस 3-4 तो मैं उस पाले मैं चल दुकानदार को जाके पुछूंगा भी ये सोना या घग्गी तो निहाल में चक्कन लगे जेब चो डिग पिया बिच ही बह गया पता ही नहीं लगे कितने गया इन्हू नहाँ दी निहाल होर कोई कम नहीं ते चलो ऊ फन वधिया फन आ जो तुसी ट्राई करते हो ना सोना लभन की फिर आसे पासे का पता ही नहीं लगता नजारा बड़ा हुंदा बह जाओ एक थां वो पोटली रेती ना भर भर सानी चलो तो देखी चलो गौर ना उहदे विच इट्स गुड फन 10 रुपये च कोई माड़ा नहीं है शीशी च भर के लै जाओ दुकानदार नूं पुछ लो भी ये सोना ही है की आ जे तुहानूं कुछ लभदा साइनीज है नाइस वन इन्हां दा छोटा जिहा गोल्ड म्यूजियम आ ते फ्री एंट्री है इन्हां ने आ प्रोसैस दस्सिया वा भी हाउ टू फाइंड द गोल्ड पहलां थल्लों स्टोन कढे जांदे आ स्टोनां नूं बेल्ट ते रख के ट्रॉली राही अगे ले जाया जाता इतने स्टोना पीठिया जाता समॉल वेरी टाइनी पीस किए जाते फिर इतों पानी डिगदा नाल तो इदा बेल्ट दे स्टोन तुरे बेल्ट नहीं हैगी काइंड ऑफ फिल्टर आ स्टोन ये जाई जाते उत्तों पानी पई जाता तो फिर ये गोल्ड लगते पुराने औजार जड़े ये काम लई वरते जाते सी
ਡਾਕਟਰ ਮਾਡਲ ਪੀਜ਼ਾ ਟੂ ਕੋਇਨ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹ 'ਚ $2 ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3D ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਗੋਲਡ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀ ਬਿਗ ਪੀਸ ਆਫ ਗੋਲਡ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮਾਇਕਾ ਮਾਇਕਾ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਾ, ਫੂਲਸ ਗੋਲਡ। ਫੂਲਸ ਗੋਲਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਇਕਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਹੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਇਕਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਾਇਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਇਕਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਮਾਇਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਆ ਅਸਲੀ ਫਿਲਟਰ ਨੇਗੇ, ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕੰਟੇਨਰ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡ ਪੈਨ ਹੇਅਰ। ਗੁੱਡ ਵਨ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਆ ਦੇਖ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ 23 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੋਲਡ ਲੀਫ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਲੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਕੀ ਟਿੱਕਾ ਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਚ ਆ, ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਬੀਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੱਥਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਸਨਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਨਸੈੱਟ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਸਚਰਚ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਸਨਸੈੱਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਨਸੈੱਟ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬ ਵਾਰਮ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ। ਗਲੋਬ ਵਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਗੇ ਹੁਣੀ। ਇਹ ਗਲੋਬ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਗੁਫਾ ਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂੰ ਤਾਂ ਝਪੱਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੈਲੋ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਸੀਮਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਾਇਕਾਟੋ ਸੀ, ਬਾਇਮਾਟੋ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ $150 ਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆ,
सब तो पहली गल कहिंदे वी अंदर लाइट नहीं चलाउणी हुंदी यूजली। यही तो देखते हैं भी ये होया की है। तो एक साउंड तो बहुत चलते हैं, ये कीड़े ना तो साउंड पसंद है, तो ना इन्हों चानन पसंद है। तो ये ग्लो त करते होंगे जो जेडे होर कीड़े मकौड़े आ इन्हां अट्रैक्ट हो जाए तो ये खा सकन। तो एक जाला जहा थले लमकाते होंगे, काफ़ी लम्मा होंगे जाला, जो जाले तो कीड़ा चुंबड़ जाता वो जुड़ जाता, गूंद जी होंगी जाले दे, ते फिर जाले नूं तां खिच के कीड़े नूं खा जांदे आ। हाँ शायद दो तीन दिन की लाइफ होंगी इन्हां दी, ते इन्नी चीज़ इन्हां ने सारा कुछ करना हुंदा। ते तुरे जाने सैड होप्स हो सानूं दिख जाण, दसांगे जे इत्थे होए तां। ओके जी, गल आ हुई भी असीं इत्थे आ गए आ, नेड़ी आ, पर दिन करके आपां देख नहीं सकते ग्लोबल वार्मिंग नूं, ते ओह रात नूं ही हुंदे आ। मैं कढ़ के देखिया वैबसाइट ते इंटरनेट ते, ओह कहिंदे रात नूं आओ इत्थे जे तुसीं ग्लोबल वार्मिंग देखणे आ, इंजॉय करने आ। जगह ते इन्नियां जिहड़ी जगह कि इहदे विच हुंदे सारा दीप माला वांगू जगदा हुंदा, फोटो कढ़ के देखियां मैं, बहुत सोहणियां ने। सो जे कोई वीर भरा इधर आउंदा ते इत्थे रात रहिंदा गा तां ओह रात नूं इंजॉय कर सकदा इन्हां नूं, क्योंकि हुण असीं जाणा इत्थे नहीं रह सकदे। सो यही सलाह की जे ग्लोबल वार्मिंग फ्री च देखणे आ इत्थे रात रहो, देखो वधिया चीज़ आ। सिर्फ ही वा मैं कहना 100 मीटर भी नहीं हैगा तुर के आउण नूं। चलो ग्रे माउस से आने हूँ, देखते हैं की है उत्थे। ये है जी ग्रे ग्रे माउथ पहुँच चुके हैं, तो ये ग्रे माउथ का व्यू पॉइंट है बीच का, इधर सनसैट होना। तो असी तकरीबन हो उधर कितने बीच पर ठहरे हैं, तो उधर नहीं जाना, इधर शॉपिंग करना है जी थोड़ी बड़ी, तो सोचा भी चल व्यू पॉइंट देख के चलीए। आप देखा बाबे दियां पूरियां रीझां लगियां पई फोटो लैन दे, ऑसम बाबा लै रहा असील दी फोटो। ब्यूटीफुल, ये मौसम भी सोहना शहर हैगा, व्यू पॉइंट हैगा उधर भी सेम ही हैगा, क्योंकि यह सेंटर च नदी हैगी रिवर आ, तो वो परली साइड भी सेम ही व्यू पॉइंट हैगा। गोरे इत्थे फिशिंग कर रहे हैं, वाधू आम फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक गल होर, ये आ जिहड़े रैंप रूंप बने हुए ना, ये सारा वर्ल्ड वार टू ना रिलेटड आ सिस्टम, अब ब्लॉक किया वे इधर, तो बड़े बड़े पत्थर ने इत्थे बनाए हुए, तो ये सारा वर्ल्ड वार ना टू ना रिलेटड हैगा। इधरला इधरला आ पोर्ट, आई थिंक शिपा शुपा दे असला उसला इतों मैं भी जाता हूँ, आई डोंट नो की सी, पर ये टू ना रिलेटड है। असी इधर आ चुके हैं जेडे काम लिए आए हैं, सनसैट देखने लिए। यदा मैं टाइम लैप बनाऊंगा, टाइम लैप पाऊंगा, अदा सिर्फ दस नहीं है ना ही इतने साड़ी अकोमोडेशन है कि। सो इतने बहुत लोग बैठे इंजॉय करने लिए, तो असी भी बस यही करन दे मारे इतने रुक गए। करना भी चाहिए क्योंकि अपने वाल आप समुद्र च डुबदा सनसैट नहीं देख सकते। इतने जमा बैठना इतने बह जाने, तो इत्थे समुंदर में डुबदा देख सकते हैं, अपने पहाड़ों से देखता हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल।